चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच धारिता प्राप्त करेंगे, मतलब समानांतर पट्टिकाओं के बीच धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करी जाती है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। कई बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इतना सिंपल तरीके में मैं आपको समझा दूंगा ना कि आपको जीवन भर याद रहेगा, बशर्ते इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा। देखिए, समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच, ये समानांतर पट्टिका है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। आज जिसमें आवेश दिया गया वो संग्राहक पट्टिका हो गया, आज जिसको धरती से जोड़ा गया ना, ये अर्थिंग है, धरती से जोड़ा गया वो संघनक पट्टिका है। इसके पिछले वाले वीडियो में संधारित्र की बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसमें यह भी बताया गया था कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, समानांतर, बेलनाकार, गोलीय। तो हम लोग समानांतर में पहले व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बेलनाकार में, उसके बाद गोलीय में प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये समानांतर पट्टिका है, तो इसमें आपको जो भाषा होती है वो भाषा आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कि पट्टिका ए को प्लस की व्यवस्था दिया गया है और पट्टिका बी को धरती से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। आज जैसे ही पट्टिका ए, इस पट्टिका का नाम ए है, इस पट्टिका का नाम बी है, तो जैसे ही पट्टिका ए को आवेश दी जाती है, तब इनके बीच, सोचिए ये पृष्ठ है ना, ये चालक है, और किसी भी चालक का अपना पृष्ठ होता है। पृष्ठ का मतलब सुने सतह, ये सतह ना है। तो जैसे ही इस चालक को आवेश देंगे ना, तो इनके बीच पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही पट्टिका ए को आवेश दी जाती है, तब इनके बीच क्या उत्पन्न होता है, पृष्ठ घनत्व। तो उस पृष्ठ घनत्व का आपको मान निकाल लेना, पृष्ठ घनत्व को स्मॉल सिग्मा से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये पृष्ठ घनत्व का संकेत है। तो पृष्ठ घनत्व का सूत्र आप पढ़े थे किसमें, तो पहले का चैप्टर जब फिजिक्स का आपको बताया गया था, उसमें बताया गया था, उसमें बताया गया था पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है क्यू बटे ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ये होता है सूत्र, ठीक है ना। अब देखो बुआ, यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे ही पट्टिका ए को आवेश देते हैं, तो उसके बीच पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है, यानी इसको बोल सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो किसी भी चालक को, किसी भी पृष्ठ को जब आवेश देते हैं, तो उनके बीच पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है। तो पृष्ठ घनत्व को स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं। ये सिंबल किसका है, स्मॉल सिग्मा का है। तो स्मॉल सिग्मा का सूत्र क्यू बटे ए होता है। स्मॉल सिग्मा क्या है, तो पृष्ठ घनत्व है। इसका नाम मैं साइड में यहां पर लिख देता हूं, पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना। क्या है, पृष्ठ घनत्व है, ओके, इसको याद रखिएगा। अब देखो, तो यहाँ पर जैसे ही पट्टिका ए को आवेश देते हैं, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ घनत्व का सूत्र लगा देंगे। अब दोनों पट्टिकाओं के बीच आते हैं, किन के बीच, दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि भाई आपको बता दिया गया कि जैसे ही पट्टिका ए को आवेश देंगे, तो दोनों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले विभवांतर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर चलते हैं, अब विभवांतर का मान निकालते हैं। भी विभवांतर का सूत्र मालूम है ना, डब्लू बटा क्या होता है, क्यू होता है, पढ़े ना कि विभवांतर का डिफिनेशन क्या होता है। तो विभवांतर का डिफिनेशन होता है कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो उनके बीच जो कार्य करी जाती है, उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर का सूत्र होता है डब्लू बटे क्यू। क्या होता है, डब्लू बटे क्यू होता है। अब देखो, डब्लू का मतलब होता है कार्य, और कार्य को जब ब्रेक करेंगे तो बल गुना दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बल को लिखते हैं एफ, और गुना दूरी इनके बीच क्या लिए, डी लिए। तो एफ गुना डी किसको लिख दिए, बल को लिख दिए, अब बटा क्यू है, तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, ओके। अब देखिए आगे, ये एफ बटे क्यू विद्युत क्षेत्र की त्रिभुजा का डिफिनेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि प्रति एकांक आवेश में जितना बल लगता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति एकांक आवेश के कारण जितना बल उत्पन्न होता है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप पढ़े हैं ना कि E का जो सूत्र होता है वो होता है F बटे क्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े भी है। तो ये F बटे क्यू को हम लोग लिख देंगे E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, इंटू डी है तो डी लिखेंगे, ओके। अब देखिए, हाँ, ई क्या है, तो आप समानांतर प्लेट के बीच, समानांतर प्लेट के बीच अगर तीव्रता निकालेंगे, समानांतर प्लेट के बीच अगर तीव्रता निकालेंगे, तो वो होता है स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। समानांतर प्लेट के बीच तीव्रता का व्यंजक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। देखो, समानांतर, ये आपका समानांतर प्लेट है, यहाँ भी समानांतर, ये पट्टिका आपका, ठीक है ना। तो समानांतर पट्टिका के बीच तीव्रता का मान ये होता है, लेकिन हम लोग समानांतर पट्टिका के बीच क्या निकाल रहे, संधारित्र का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, इसको कूलॉम प्रमेय भी कही जाती है, कूलॉम का नियम नहीं, कूलॉम प्रमेय का इसको व्यंजक भी हम लोग कहते हैं। तो समानांतर पट्टिकाओं के बीच, समानांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र होता है स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान यहां पर रख देंगे स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू D। आखिर इसका E का ये सूत्र इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भी समानांतर पट्टिका है, और समानांतर पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो E का मान ये रख दिया, यहां पर क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हैं कि E का जो सूत्र है वो लगा दे स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सूत्र लगा दिए, समानांतर प्लेटों के बीच वाला ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। अब देखो, इस तरह से अगर देखी जाए तो भी का जो मान है वो निकल गया स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या निकल गया, डी निकल गया। अब यदि यहां पर फोकस करीजिए, यदि यदि
संधारित्र की धारिता देखते हैं, यदि संधारित्र की धारिता सी हो, लेकर चलिए क्या संधारित्र की धारिता सी हो, तो सी का सूत्र आपको मालूम है क्यू बटे बी होता है भाई, संधारित्र की धारिता का व्यंजक नहीं होता है, क्या होता है सी बराबर क्यू बटे बी। तो क्यू का तो अपमान निकाल चुके ना, क्यू का मान आप क्या किए निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए क्यू का मान निकाले, क्यू का मान यहां से देखो क्यू का मान निकाल सकते थे भाई, ए को इधर लाएंगे तो क्यू का मान निकलता है स्मॉल सिग्मा ए, ए को इधर ला देंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा, क्यू का मान पुट कर देते हैं, क्यू का मान है स्मॉल सिग्मा ए आप बटा भी, भी भी मतलब विभवांतर, विभवांतर के यहाँ पर देखो व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं, स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू है आपका डी है, क्या है डी है। अब देखिए स्मॉल सिग्मा से स्मॉल सिग्मा कट जाएगा, इसलिए सी के यहाँ पर जो व्यंजक आएगा है एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए है बटा में आपका डी रह जाएगा। तो यही समानांतर पट्टिकाओं के लिए संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, क्या होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा होता है डी होता है, ये समानांतर प्लेटों के कारण क्या होता है व्यंजक आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा सा फोकस करिएगा, अब कैसे आपको बनाना है, तो पहले आपको चित्र बनाना है, फिर आपको भाषा लिखना ही है कि यहाँ पर प्लेट ए को संग्राहक पट्टिका कहते हैं क्योंकि उसको आवेश दिया गया है, और प्लेट बी को हम लोग उसको संग्राहक पट्टिका कहते हैं क्योंकि उसको धरती से जोड़ा गया है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है डी है। उसके बाद आपको भाषा लिखना है कि जैसे ही पट्टिका ए को आवेश देते हैं तो वहां पर पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है, इसलिए लिख देना है स्मॉल सिग्मा बटा स्मॉल सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ये तो आप जानते हैं ना सूत्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो वी बराबर सूत्र डब्ल्यू बटा क्यू होता है, डब्ल्यू को ब्रेक करेंगे बल गुना दूरी, ठीक है ना। तो बल्क बल के लिए एफ और दूरी के लिए डी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी डी लेकर चले हैं, तो बल गुना दूरी हो गया एफ इंटू डी हो गया बटा में क्यू होता है क्यू। देखो एफ बटे क्यू का सूत्र होता है ई होता है, आप समानांतर प्लेट के बीच ई का सूत्र होता है स्मॉल सिग्मा बटा एफ साइलेंट नॉट आई इंटू में डी है तो डी छोड़ दिया पर। अब यदि संधारित्र की धारिता सी लेकर चलेंगे तो सी बराबर क्यू बटे भी सूत्र होता है, क्यू का तो मान निकाल चुके हैं स्मॉल सिग्मा बटा ए, आप बटा भी है तो भी का भी मान निकाल चुके हैं स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी है, स्मॉल सिग्मा से स्मॉल सिग्मा कटिस हो गया है, नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट उलट के ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए या बटा डी। तो यही क्या होता है समानांतर पट्टिकाओं के बीच व्यंजक होता है, धारिता का व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो पहले आप चित्र बना लीजिएगा, कुछ भाषा आपको लिखना ही है कि दो पट्टिकाएं ए और बी हैं, जिसमें से एक को संग्राहक दूसरे को संगणक पट्टिका कहते हैं, उनके बीच की दूरी क्या है डी है। उसके बाद लिखना है कि जैसे ही ए को आवेश देते हैं वहां पर पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद ही लगाना, उसके बाद ऐसे आपको यूज कर देना, ठीक है। अब यहां से कुछ मुख्य बात पर हम लोग फोकस करते हैं, जो संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है बुआ। देखो संधारित्र की धारिता पूछता भी है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो संधारित्र कोई भी हो, वो गोलियो हो बेलनाकार हो कोई भी हो, किन किन बातों पर फोकस करती है, मतलब किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इस पर फोकस करिए। देखो संधारित्र की धारिता दूरी पर, माध्यम पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। पहला हम लोग क्षेत्रफल लेकर चलते हैं कि जैसे किसी भी इस चालक का जितना आकार बढ़ाएंगे ना उतना उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी जितना क्षेत्रफल बढ़ाते उतनी धारिता उसकी बढ़ जाती है, जितना क्षेत्रफल घटाते उतनी उसकी धारिता घट जाती है, ठीक है ना। तो पहला यही होता है कि उसके क्षेत्रफल पर मतलब उसके एरिया पर डिपेंड करता है, जितना उसका आकार बढ़ाएंगे उतना उसकी धारिता बढ़ जाएगी, पहला। और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो है ना जो धारिता होती है, जितना दूरी आप कम करेंगे इन प्लेटों के बीच की, जितना दूरी कम करेंगे मतलब सटाएंगे जितना उतने धारिता इसका बढ़ेगा, लेकिन इनके बीच का दूरी जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी धारिता इसकी घटती जाएगी, यानी जो धारिता होती है वो वन बटे डी के समानुपाती होती है। इसके कहने का मतलब दूरी का जितना मान कम करेंगे उतनी धारिता बढ़ेगी, फोकस करिएगा, दूरी का जितना मान कम करेंगे उतनी ही धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, लेकिन दूरी का जितना मान ऊपर करेंगे मतलब जितना बढ़ाएंगे उतनी धारिता उसकी क्या हो जाएगी घट जाएगी, ठीक है ना। और तीसरी बात करते हैं कि तीसरा बात यह है आपको कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो माध्यम जितना बढ़ाएंगे, जितना वहां पर बीच में माध्यम आप लाते जाएंगे उतनी उसकी धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी जो संधारित्र की धारिता होती है वो माध्यम के भी क्या होती है समानुपाती होती है। इन चीजों को इन तीनों चीजों को फिर मिलाएंगे तो आपका वही चीज बन जाएगा। तो फोकस करने वाली बात यही कि अगर पूछेगा संधारित्र की धारिता किन बातों पर डिपेंड करती है, किन बातों पर निर्भर करती है, तो लिखना ही है कि संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। पहला कि जितना चालक का आकार बढ़ाएंगे, जितना उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना उसकी धारिता बढ़ जाती है, अर्थात सी समानुपाती ए। और दूसरी बात आपको ये लिख रहा है कि जितना उनके बीच की दूरी, जितना उनके चालक के बीच की दूरी कम करेंगे, उनके बीच की दूरी कम करेंगे उतनी धारिता बढ़ती है, और जितना दूरी बढ़ाएंगे उतनी धारिता घटती है, अर्थात सी समानुपाती वन बटे डी। और उसके बाद लिख रहे हैं कि चालक को जब किसी चालक को उसको माध्यम के बीच लाते हैं, मतलब जितना माध्यम का मान बढ़ाएंगे ना, जितना साइलेंट नॉट का मान बढ़ेगा उतनी धारिता क्या होती है बढ़ जाती है। तो मुख्यतः तीन बातों पर संधारित्र की धारिता डिपेंड करती है, निर्भर करती है।
आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच धारिता प्राप्त करना है और उसके बाद ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक रहेगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें कोई पदार्थ हम लोग डाल देते हैं, कोई यौगिक पदार्थ इनके बीच यूज कर देते हैं, तो अब उस समय उसका व्यंजक क्या होगा, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। यानी उसका नाम पड़ेगा यौगिक प्रवैधता वाले समानांतर प्लेट में संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया वो, ठीक है ना। तो इनके बीच यौगिक डालकर उसका व्यंजक क्या आएगा और कैसे आएगा, उस पर हम लोग अगले वीडियो में फोकस करेंगे।